एडवोकेट इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि इनको इनके अधिकार मिल पाए। आजकल कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों के साथ बदतमीजी करना लिटिगेंट द्वारा और आजकल वकीलों के ऊपर हमले होना जानलेवा वो भी बहुत आम हो गया है, तो इसी पर रोकथाम करने के लिए और वकीलों के उनके अधिकार दिलवाने के लिए ताकि वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, बैरिस्टर ऑफ द कोर्ट है, वी आर डबल ग्रेजुएट पीपल, तो हमें हमारी डिग्निटी के अनुसार अधिकार मिलना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर सभी अधिवक्ता भाई भारी भीड़ के अंदर आए। सर, सरकार जैसे आपकी मांगे पूरी नहीं करती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो ये धरना प्रदर्शन एक भारी रूप से बहुत ही प्रचंड रूप लाएगा, तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें और हमें हमारे अधिकार को दिलवाएं। हमारी जो मांगे हैं ना सर, हमें चाहिए इंश्योरेंस, हमें चाहिए मेडिकल फैसिलिटी, हमें चाहिए फाइनल असिस्टेंट। जो यंग लॉयर है सर, उनको कोई पैसा नहीं मिलता सर स्टार्टिंग में, सर हमारी मांगे वही है। और हमें प्रोटेक्शन चाहिए सर, वकीलों पे दिन ब दिन सर हमले हुए जा रहे हैं। ओके सर, ओके। मैं आलिम मिजाज एडवोकेट साकेत कोर्ट से आए हुए हैं। आज हमारा ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। पिछले 4.5 साल में इस मोदी सरकार ने वकीलों के लिए कुछ नहीं किया है। आज तक जितने भी सरकारों ने बजट भी पेश किए हैं, कभी भी अधिवक्ताओं के लिए कोई बजट ना दिया गया है, ना ही सरकार ने बजट दिया है। हमारी मांग यही है कि हमारा जो इंश्योरेंस है वो होना चाहिए हमारे रहने के लिए, वकीलों के लिए स्पेशली, उनके लिए हाउसिंग स्कीम होनी चाहिए।